हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार मौर्य अपने चैनल आरके ग्री सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको अपना पहला वाला नेट हाउस दिखाए थे, उसमें बहुत कम खर्चे में बन गया था। लेकिन ये जो मैं दूसरा नेट हाउस बनाया हूँ, ये थोड़ा सा कास्टली है दोस्तों। इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का इसमें खर्च आ गया दोस्तों। क्यों खर्च आ गया? क्योंकि इसमें हमने लोहे की पाइप का यूज़ किया है, जो नल में पाइप लगती है उसका यूज किया, उसकी वजह से खर्च इसमें ज़्यादा आ गया है। वो जो मैं पहले वाला वीडियो आपको दिखाया था, उसमें पूरा बांस के थ्रू बना था दोस्तों। आपको हम इसको दिखाए, हाइट वगैरह अगर दिखाएँ तो ये जो हाइट है इसकी जो है 9 फीट इसकी हाइट है। इसकी जो हाइट है ये 9 फीट है। इधर किनारे की जो हाइट है, इधर किनारे वाला ये हम 5 फीट रखते हैं दोस्तों। ये 7 फीट का बांस कटा था दोस्तों, इसको हम 2 फीट जमीन में गाड़े हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी मजबूती आ गई है। इसमें 2 फीट गाड़ने से काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाती है। आप इसको जब भी अगर लगाना चाहें तो 2 फीट इसको कम से कम गाड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ये 2 फीट की हाइट हो गई दोस्तों। और इसके साथ साथ हम जो भेड़ा जो पाइप लगाए दोस्तों, पाइप लगी है पुराना वाला जो हम आपको दिखाए थे, वो बांस था दोस्तों, जिसकी वजह से कास्ट कम आए थे दोस्तों। और इसके साथ साथ ये जो है, इसको लगाने के बाद इसमें हम जो टायर होता है इसको लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये नेट कभी फटे वगैरह का नहीं, और इसमें अच्छी खासी मजबूती भी आ जाती है दोस्तों। आप ऐसा कर देंगे तो और अच्छा खासा मजबूत बन जाता है दोस्तों, और ये कभी फटेगा टूटेगा नहीं दोस्तों। दोस्तों, नेट वही है हमारा 75% वाला है, जो इसमें नेट लगा था 75% वाला ही नेट है। लेकिन इसको वही था कि ये आता है साइज़ में 50 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा, तो इसको हम कटवा करके 50 फीट लंबाई बनवाए थे और 10 फीट और 30 फीट इसकी हम चौड़ाई बनवा दिए थे दोस्तों। कटवा के हम इसको 3 खंड में करवा दिए थे दोस्तों। और ये रहा दोस्तों, और इसमें हम रस्सी मार दिए हैं, नीचे से रस्सी मार दिए हैं और ऊपर से भी रस्सी मार देंगे अभी, ताकि ये हवा भरने पे जो है ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाए दोस्तों। कर लो। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छी खासी मजबूती आ जाती है। अभी देखिए सर, बारिश हुई है, काफ़ी पानी इसके अंदर रुका हुआ है, और पानी जो है जो भी आएगा 25% अंदर पानी आएगा और 75% पानी जो है बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ये था पूरा ढांचा दोस्तों, पूरा बना हुआ है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं दोस्तों, बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कास्टली पड़ गया है। थोड़ा सा इसमें अच्छी लेकिन मजबूती भी आ गई है। 3 से 4 साल तक ये चलेगा दोस्तों। अगर आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर बता दें दोस्तों। अगर इसकी कास्ट नेट की बात की जाए दोस्तों, ये हमको 3,000 रुपये का मार्केट में मिला था। 10 फीट चौड़ा था और 50 मीटर जो है लंबा था, तो इसको हम 3 खंड में करवा दिए थे दोस्तों। और ये पूरा चारों तरफ से हम पूरा छा दिए दोस्तों। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों, 20 फीट में हम इसको 20 फीट चौड़ा है हमारा है पूरा, जो चौड़ाई आपको दिख रही थी तो ये 20 फीट चौड़ा है। और ऊंचाई आपको बीच में मैं 9 फीट रखा हूँ, किनारे किनारे 5 फीट रखा हूँ, और पूरा छाँव की तरीके से ये बन गया दोस्तों। और ये जो हम बीच में ये बांस वाला किए थे, इसको गाड़े थे दोस्तों, इसको हम ईंट और सीमेंट बालू से जो है इसको अच्छे से जो है पूरा घुलाई करवा दिए थे, ताकि ये हिले डुलेगा नहीं, और अच्छी खासी इसमें और मजबूती आ गई है दोस्तों, और ये काफ़ी दिन तक चलेगा दोस्तों। बस दोस्तों, आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। धन्यवाद।